तो क्या हाल है आपके। आज हम लोग इस कोविड के सिचुएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, मोटिवेशन। सर, क्या आप डीमोटिवेटेड हैं आपके लाइफ के बारे में? नहीं, मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड हूं। क्या आपके मन में कभी सुसाइड करने का ख्याल आया है? नहीं, क्यों नहीं? क्या मतलब? अबे मोटिवेट करने आए कि डीमोटिवेट करने? आई हैव 100 रीजंस टू स्माइल एंड बी नहीं हैप्पी। सर, वो एक्चुअली आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा था ना, इसीलिए। बहुत पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा सोने आता हूं। खड़ा हो। अरे खड़ा हो ना। हाँ, उठ गया उठ गया उठ गया। और देख अपने आप को, गौर कितना पिंपल हो गया यार। से देख। और पिंपल उड़ है सामने। हाँ वही, वो मंजिल है जो तुझे पुकार रही है। पुकार रही है? बट यू नो व्हाट, मैं भी सख्त लौंडा हूं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। और एक तो मैं मोटिवेशन वीडियोस का लॉजिक आज तक नहीं समझ पाया। कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और पीछे एक स्पोर्ट्स वाला बैकग्राउंड लगा देंगे, स्पेशली रनिंग। आज ही सही समय है, आज ही वो समय है जो तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इस महत्वपूर्ण समय का एक भी पल सोने में मत बिता देना। अरे एक जिंदा लाश है क्या? कुछ मोटिवेटर्स जेन्युइनली अच्छे होते हैं, लाइक सदगुरु, संदीप महेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। माफ करना, अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी मर गए ये आप ही की गलती है। बिल गेट्स की कहावत कौन नहीं है? बिल गेट्स आज दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। बिल गेट्स कोई द्वीप टापू तो छोड़ो, पूरा देश खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं। बिल गेट्स एक ऐसे व्यक्ति जिनकी पूरी की पूरी धन संपत्ति बांट दी जाए तो पृथ्वी पर हर इंसान के हिस्से कई हजारों रुपए आ जाएंगे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिल गेट्स की कई गर्लफ्रेंड्स ने उनको छोड़। आई रियली अप्रिशिएट हिज इंटेलिजेंस। इसे भी पता है कि इतना खतरनाक सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के बाद कोई इसका वीडियोस और देखेगा नहीं, इसीलिए उसने अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ ही एक इंटरेस्टिंग लाइन जोड़ दिया। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। बिल गेट्स की कई गर्लफ्रेंड्स ने उनको छोड़ दिया। उनकी हर गर्लफ्रेंड उनको छोड़ के जाती थी, क्यों? आज उनकी कई कहानियों की बात करेंगे, कैसे वो बने अजीत डोवाल, तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफे, सिंगापुर, मारवाड़ी, पब्लिक स्पीकिंग, हैबिट्स ऑफ बिलियनियर्स। आपने मेरे कई वीडियोस देखे, बड़े सराहे ये पिछले वीडियोस हमने डाले, हर वीडियो मिलियंस में गए हैं। ये उसी प्रकार के लोग होते हैं जो अपने वीडियो के थंबनेल में बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं 1 मिलियन प्लस व्यूज, 2 मिलियन प्लस व्यूज, 3 मिलियन प्लस व्यूज। अरे यार, पढ़ना सबको आता है, इतना एम्फेसिस देने का भी क्या हो गया? टू बी ऑनेस्ट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर तो है नहीं, बट मुझे उसके केस स्टडीज अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, आई मीन बेयरेबल है। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि यदि बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार रखना होगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा आवाज इतना अजीब क्यों आ रहा है? बस इसलिए कोशिश करता हूँ थोड़ी बुलंद आवाज में बोलने के लिए। तो हम क्या बहरे? तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वक्त की एक बड़ी खास बात होती है कि अगर कुछ बेहतर कर दिया तो दुनिया याद रखती है, अरे नहीं तो वक्त ऐसा वक्त लाता है कि दुनिया सब भूल जाती है। इस दुनिया में, इस वतन में अगर अपना नाम करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और तुमको अपना माइक क्वालिटी चेंज करना होगा। तो गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ना आया हो तो भी सब्सक्राइब कर ही दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।